यू गेट मैरिड डू यू हैव एनी चीज लाइक शादी का सिंगल और टेकन देखो अभी शादी नहीं हो रही जब होगी सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊंगा ठीक है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सबके ठीक ठाक है तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोल लगाया था इंस्टाग्राम पे Q&A का तो ये तो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो Q&A वीडियो है तो आज पहले सवाल की तरफ चलते हैं तो पहला सवाल है मोटिवेशन फॉर हार्ड वर्क तो पर्सनली जो मेरा है ना वो ये होता है कि आप अपने आप को चैलेंज करो लाइक जैसे मैं अपने दिमाग में ना अपना एक पोटेंशियल बना लेता हूँ कि यार मेरा ये लेवल है मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो वही अपने ऊपर आप प्रेशर बिल्ड करो और उसी से आप चीज़ अचीव कर सकते हो मतलब जैसे अगर मैंने एक चीज़ ठान ली है कि यार अब यूट्यूब जैसे चैनल है इसको अब एक लेवल तक पहुंचाना है मुझे पता है मैं कर सकता हूँ तो उस तरह में मोटिवेशन आती है कि अपना आपका बेस्ट सेल्फ देखना अगर इस बात समझ आ रही है कि अपना बेस्ट वर्जन देखने के लिए आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी हार्ड वर्क निकालना पड़ता है अच्छा भाई तो फेवरेट इंग्लिश बुक यार मैंने ना क्लास पता नहीं 4-5 में एक बुक पढ़ी थी आयरन जायंट बस वही पढ़ी है तो वही फेवरेट बुक है वैसे पढ़नी चाहिए बुक्स मैं वैसे शौकीन नहीं हूँ इसलिए इसके लिए कोई इतना डीप आंसर नहीं है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था जो मुझे दो तीन लोगों ने पहले ही पूछा है कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेयर एंड बियर्ड एंड हाउ टू ग्रो लॉन्ग हेयर लाइक यू यार इसमें यकीन मानो मेरा कोई कमाल नहीं है ये हेयर यूजली जेनेटिक होता है जिसमें मतलब आपके दादा अब्बा का जो चलता आ रहा होता है ना वो बहुत मैटर करता है उसके बाद फिर मैटर करता है जैसे ऑयलिंग करो रेगुलरली बाकी ये है कि बाकी ऑनेस्टली यार कुछ ना मेरे एडवाइस है नहीं इसके लिए बिगेस्ट फियर यार आई थिंक मुझे फियर ऑफ हाइट्स है क्योंकि हमारे साथ एक बचपन में एक्सीडेंट भी हुआ था वो कैनोपी से गिर गए थे आई थिंक उसके वजह से हाइट्स है लेकिन पता है मैंने करी सारी अतरंगी चीज़ें फिर भी हैं सारी ये अम्यूजमेंट पार्क राइड्स पे गया हूँ इतने ऊपर से बस पता नहीं क्या शौक है और एक और सवाल था क्रिकेट और फुटबॉल वैसे तो मुझे फुटबॉल देखने पसंद है फॉलो ज़्यादा करता हूँ रेगुलरली देखता हूँ बट जब पाकिस्तान के मैचेस होते हैं क्रिकेट में तो ये आप देख लो क्या ये एक सवाल है जिसका मुझे लगता है सबका ऑलमोस्ट आंसर सेम ही होगा कि यार अम्मी के साथ तो सबकी अच्छी रिलेशनशिप होती है अम्मी या जो बात बोले बस मान लो डांट भी दें मार भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता तो अम्मी के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट फ्रेंड है ये देखें एक ये सवाल भी है यार इसका तो मैं यही जवाब दे सकता हूँ कि मैं फिर रहा हूँ आप बीच में मिल लो तो आ जाओ मैं तो निकला हूँ अभी जो नेक्स्ट सवाल है इसमें ये एक अच्छा सीरियस सवाल है तो इस पे मेरा ये अप्रोच था कि इसको बिल्कुल प्रस्यू करना है मैंने आगे इंशाल्लाह ज़िंदगी में और आई थिंक सिर्फ मैंने नहीं हर मुसलमान के ऊपर ये एक टेक्निकल जिम्मेदारी है बट इसको इंशाल्लाह ज़रूर आगे लेके जाएंगे जितना मेरी कैपेबिलिटी हुई तो जितना अभी थोड़ा बहुत भी हो पाता कर लेते हैं लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर इसको करना है आगे अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जो है कि आई डोंट नो बट आई एम क्यूरियस अबाउट व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री अब ये सवाल पता है अच्छा क्यों है क्योंकि ये गाड़ी में तो पहला तो जवाब तो इसका ये है जो मुझे काफ़ी जिस चीज़ से गुस्सा आता है वो ये है कि यार जब कोई बदतमीज़ी करे या मिसबिहेव करे और इसका आई थिंक मेन रीज़न यही है कि आई थिंक जैसे आप पले बड़े होते हो ना हमने कभी खुद बदतमीज़ी करी है तो और कभी ऑब्वियस ये प्रमोट ही नहीं हुई बिल्कुल चीज़ तो पहली बात तो वो है और दूसरी बात जो एक पेट पीव है मेरा जिससे मुझे बड़ी चिढ़ आती है वो है यहाँ की ट्रैफिक ओहो नहीं भाई नहीं बर्दाश्त होती मुझसे यहाँ से एक गाड़ी आ रही होगी फुटपाथ पे बाइक वाला आ रहा होगा वहाँ से कोई आ रहा होगा सिग्नल नहीं होंगे और इसमें मैं खुद भी हूँ मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं कोई दूध से धुला हुआ इधर लेकिन ये चीज़ यार बहुत गुस्सा दिलाती है बट आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में चला के हम जा रहे हैं एक जगह तो यार कुछ सवाल यहाँ भी आंसर करने चाहिए यार
एनवायरनमेंट बदली है। तो अच्छा पहली बात तो लोग गाड़ी का पूछ रहे थे, तो गाड़ी है मैं ये वाली चला रहा हूँ होंडा सिविक ओरियल 2021, तो इसी को मेंटेन कर रहे हैं, इसी को चला रहे हैं और मैं तो सेटिस्फाइड हूँ यार। फिर उसके बाद कुछ सवाल ये थे कि व्हाट्स योर हाइट। हाइट का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 5'11" हूँ, लेकिन यार एक इंच और मिल जाता तो ये होता है 6 से एक अच्छा लगता है बताने में कभी 6 फुट। हाँ ये बड़ा मज़े का सवाल था, जो स्टडी टिप्स वाला सवाल है ना, यह इस पर मेरा ये है कि एक इंसान की एक कैपेसिटी होती है उसमें ही रह के पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि यार अब पढ़ते गए 2 महीने लगा दिए पढ़ते आखिर में कुछ समझ नहीं आता। थोड़े से दिन रखें और उसमें जितना दिमाग लगा सकते हैं लगाएं और एक लिमिट तक पढ़ें, ओवर ना करें। ओवर करेंगे ना तो फिर नहीं चल पाता, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना नहीं समझ आती। तो ट्राई कर लेना एक आधा एग्जाम तो चलता है ऐसे। ये तो सबसे मज़े का सवाल है ना, सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस। यार पहले सक्सेस लेने तो दो सही तरह, फिर ही बताऊंगा ना, सही बात है ना। तो हम आप लोगों के लिए इधर गर्मी में यहाँ कराची की उतर आए हैं भाई। फैसलाबाद कब आ रहे हैं बताएं क्या, निकले लगाते हैं अभी यहीं से फैसलाबाद चक्कर लगाते हैं। गाड़ी तो लगी, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आते हैं आपके पास, थोड़ी देर लगेगी, पहुँच रहे इंशाल्लाह आते। अच्छा ये सवाल था कि व्हाई डू यू वेयर हेयर बैंड एंड चेन, डोंट थिंक इट्स नॉट अलाउड फॉर बॉयज। अच्छा पहली बात तो ये कि हेयर बैंड मैंने सिर्फ तभी पहनता हूँ जब बाल बहुत मुंह पे आ रहे हो और इरिटेशन हो रही हो। इसको मैंने कभी भी उस तरह नहीं पहना कि ये कोई फैशन स्टेटमेंट है या फिर मैं अच्छा लगूंगा ये पहन के। मैं सिर्फ इरिटेशन की वजह से नहीं पहने, क्योंकि बाल मुंह पे आते हैं, कभी पढ़ाई नहीं हो रही थी, खाना नहीं होता, बहुत तंग हो रहे थे ना, तो उसके लिए पहना है। प्लस ये जो चेन थी ये मुझे गिफ्ट मिली थी बहुत पहले, मेरे ख्याल से नानी लाई थी बनवा के, तो बस उस तरह पहन ली। और वैसे भी गोल्ड नहीं है ना डायमंड है, तो ये उस तरह मैं एज अ एप्रिसिएशन और एक मुझे बहुत क्लोज है मेरे से, तो इससे मैं पहनता हूँ ये। सवाल तो एक तरफ, यार आप ज़रा ये चेक तो करो, ये यहाँ क्या सीनरी है। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के अख्ताम पे। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, क्या एक हल्का सा डिफरेंट अप्रोच था एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में। बट आखिरी बात जो ये थी ना वो ये थी कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे और क्वेश्चन एंड आंसर जो इंस्टाग्राम पे पूछा था उस पर इतने पॉजिटिव मैसेजेस थे और इतनी कॉम्प्लीमेंट्स थी जो पढ़ के यकीन मानो दिल बहुत खुश हुआ। ये स्क्रीन पे देख लें, मैं भर रहा हूँ लेकिन कवर नहीं होते, ये इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस थे, तो इसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। मैंने सारे पढ़े थे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सी यू, अल्लाह हाफिज़। और काफ़ी कमेंट्स आई थी वसीम भाई के साथ, वसीम बदामी, कि आप उनके साथ कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो यार ऐसा तो कुछ नहीं, इंशाल्लाह फ्यूचर में वसीम भाई आपके साथ भी बनानी पड़ेगी, भरी हुई है कमेंट्स, तो करते हैं उनके साथ भी यार ज़रूर एक अच्छी सी वीडियो।